वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बनाऊंगा रेडस्टोन मशीन्स एट नेक्स्ट वीडियोस, एंड मैं देख रहा हूँ कुछ कमेंट्स में सत्यम प्रधान नामक एक कोई है जो हम मेरे को फोर्स कर रहा है सर्वाइवल के लिए। तो ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस से मैं सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, पर अभी के लिए मैं जो लोग चाहते थे रेडस्टोन मशीन्स, तो मैं उसका पार्ट वन ला चुका हूँ, ऑटो पुल मशीन्स। हाँ दोस्तों, मैं उसी वर्ल्ड में हूँ, यही आर्मर लेज़र डोर वर्ल्ड में हूँ, ये अभी तक डांस कर रहे हैं। तो मैं आज पार्ट वन में सिर्फ ये बनाने वाला हूँ, ऑटोमेटिक पुल। तो पहले मैं ला लेता हूँ टॉर्च यहाँ पर लगाने के लिए, सॉरी टॉर्च बोल रहा हूँ, लैंटर्न्स। दिन कर देते हैं, मेरा हमेशा वेदर वो रेनिंग में ही आ जाता है, क्यों पता नहीं, खैर छोड़ो। अभी एक दो, तो मैंने जो बोला था ये चार नहीं बनाऊंगा, एक दो तीन चार के लिए दो बटन्स लगते हैं इसलिए घटिया लगता है, तो मैं तीन, एक दो तीन के लिए बनाऊंगा। तो यहाँ से तीन कर दो, यहाँ से एक दो तीन चार कर दो, और यहाँ से एक ही ब्लॉक डिक करना है नीचे तक। ओके भर गया। अब यहाँ पर ये लाना है, ये डाल देना है ऐसे, ओ सॉरी रिपीटर्स लाना भूल गया। तो मैं बता देता हूँ कि इसके लिए स्टेयर्स, स्लैब, डिस्पेंसर, रेडस्टोन, कारपेट, लैंटर्न और रिपीटर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। तो ओ बटन भी चाहिए है ना, बटन से ही ना एक्टिवेट होगा। यस, बटन भी ले लिया। तो अब यहाँ पर एक दो तीन चार लगा दिए। आप थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं तो इसके टिक स्पीड को भी डिले कर सकते हैं, तो मैं तो डिले करना चाहता हूँ नहीं, आई विल डू दिस मच। इंग्लिश को ज़्यादा ही झाड़ दी। ओके, तो अब व्हाइट कारपेट लेके फुल ढक देना है, यहाँ से भी ऐसे फुल ढक देना है। ढक गया। अब ये क्वार्ट्ज ब्लॉक साइड में ऐसे करके लगा देने, बीच में ही खड़ा होना है आपको, फिर लगाना है एंड यहाँ से लगा देना है। तो उससे पहले वाला प्रोसेस सब में डाल देना है, ओ सॉरी ग्रास चाहिए ना, भर गया पूरा। ओके, तो ऐसे डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया, अंदर से रहकर ही ऐसे बनाना है। तो इन सभी में वाटर भर देना है। ओके, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो मैंने सब में वाटर भर दिया है। ओके, तो अब उसके ऊपर जैसे मैंने डिज़ाइन बोला वैसे ही स्टेयर्स लगा देने। ओके लग गए, यहाँ पर बीच में स्लैब्स लगा देने, बन गया। अब हमें इसको अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर लगा देना है क्वार्ट्ज ब्लॉक, ब्लॉक है नहीं इसलिए स्लैब से फुल ब्लॉक बना रहा हूँ, बन गया फुल ब्लॉक। ऐसे कनेक्ट कर लेना है एंड लास्टली ये डाल देना है। तो इसको सेम दिखाई देने के लिए यहाँ पर और पीछे भी लगा दिया। ओके, यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ ताकि ये रेड स्टोन्स दिखे ना, ये थोड़ा सा अच्छा है पिछले वाले से, तो
रेडस्टोन्स यहाँ पर दिखेंगे नहीं, एक मिनट, यहाँ पर कवर हो गया है। अब बारी है इनकी, कनेक्ट रहता है, हाँ कनेक्ट रहता है, पर यहाँ पर ए डाल देंगे तो कनेक्ट नहीं रहेगा, तो सिर्फ एक स्लैब डालना है। तो इनको निकाल दो, ओके, ये बन गया फुल। अब चढ़ने के लिए ये डाल देना स्टेयर्स एंड कारपेट हियर, सेम टू सेम प्रोसेस इस साइड में भी करना है, तो मैं कर देता हूँ। तो मैंने फुल कवर कर लिया है रेडस्टोन को, सिर्फ यहीं से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कारपेट नहीं लगाएंगे, नहीं कारपेट ही लगाना पड़ेगा, हाँ कारपेट ही लगाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है लग गया। तो अब अगर मैं इस बटन को दबाऊँ, फुल वाटर हो गया, फिर से, तो ये था वाटर, ऑटोमेटिक वाटर पूल, और अंधेरा हो जाए ना तो ऊपर ऐसे जाके लगा देने हैं लैंटर्न्स। आई नीड मोर, अब लग जाएंगे ना, रुको मैं देखता हूँ ऐसे करके लगते हैं कि नहीं, हाँ लग जाते हैं। तो ये वर्ज़न थोड़ा बेटर है वो वाले वर्ज़न से, तो ऐसे ही चारों तरफ लगा देने हैं। तो मैंने यहाँ पर दो लगाए हैं, आप चाहते हैं तो पीछे भी लगा सकते हैं वैसे ही, तो मैंने फिर भी यहाँ पर दो ही लगाए हैं। रात करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा मोटा हो गया है रेडस्टोन को छुपाने के चक्कर में, पर ये बेटर है वर्जन, रेडस्टोन को छुपा देता है थोड़ा सा, यहाँ पर छुपाता नहीं है। तो आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे लगाना, पर मेन प्रोसेस है इसका, नीचे डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं। और कोई सोचेगा यहाँ पर ब्लॉक है, पर यहाँ पर तो दो स्टेयर्स लगे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं इतना ही दिखाने के लिए लाया था। ये ऑटोमेटिक स्विमिंग पूल तो बन गया है, अगर नहाना है तो नहाओ, वरना ऐसे ही पेंटिंग के लिए रखो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, दूसरे वीडियो तक, बाय बाय।